सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है डिफाइन ऑयल्स एंड फैट्स एंड डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑयल एंड फैट। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है ऑयल्स एंड फैट होते क्या हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। ओके, सो ये है हमारा पूरा आंसर, डिटेल्ड आंसर। सो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट आंसर्स, मतलब कि जो इक्विटी में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस की डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने एक बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पढ़ा था कि पीयूसी सेकंड की थर्ड यूनिट कर रहे थे, एक्सप्लेन द टर्म सेपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड हाइड्रोजिनेशन। सो हम लोगों ने ये पढ़ा था सेपोनिफिकेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन, फिर रेंसिडिटी, उसकी केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछा गया है, वो है डिफाइन ऑयल्स एंड फैट्स एंड डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो अगर आपको पुराने वाली वीडियो देखनी तो उस वीडियो की लिंक दोस्तों आपको यहाँ आई कार्ड में आ रही होगी। ओके, सो अब शुरू करते हैं अपना आंसर। सो ऑयल्स एंड फैट्स आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये बेसिकली होते क्या हैं ऑयल्स एंड फैट्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ओके, विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड रेंजिंग फ्रॉम 12 to 20। सो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और इनमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है जो 12 टू 20 कार्बन तक की होती है। ओके, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लिपिड्स। सो ये एक्चुअली ऑयल्स एंड फैट होते क्या हैं, लिपिड्स होते हैं। तो लिपिड्स हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं की फैमिली में ये ऑयल्स एंड फैट बिलोंग करते हैं। ओके, और पर एक और डेफिनेशन है जो बहुत ही ईजी है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं, दीज आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। तो ये होते क्या हैं ऑयल्स एंड फैट, अगर इसकी इजी डेफिनेशन आपको जाननी है तो दीज आर ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ओके, ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑयल एंड फैट का डिफरेंस, कि इनकी डिटेल्ड स्टडी की ऑयल्स एंड फैट दोनों अलग होते हैं तो किस तरह से अलग होते हैं और क्या क्या इनके बीच में जो है डिफरेंसेस है, वो हम लोग इस वीडियो में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है फैट्स एंड ऑयल्स में, फैट्स दे आर हाईली सैचुरेटेड। तो फैट्स जो हैं वो हाईली सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, और ऑयल्स हैं दे आर हाईली अनसैचुरेटेड। ओके, फिर पढ़ते हैं क्या है। अब देखिए दोस्तों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड मैंने बोला और अनसैचुरेटेड बोला, तो अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड्स हों और सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हों। दोस्तों लिखा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। ओके, तो यही इनमें एक डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लिक्विड, और ये जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऑयल्स आपने देखा होगा लिक्विड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। फिर पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑयल्स जो फैट्स सॉरी फैट्स क्या है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है फैट्स का। ओके, लेकिन ऑयल्स क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो ऑयल्स होते हैं उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट निकलने तो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिक्विड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं। तो फैट्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ऑयल्स का क्या होता है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत जल्दी ही ये बॉयल हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये आपके हो गए ऑयल्स एंड फैट के बेसिक डिफरेंस। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। सो दोस्तों यही कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसमें हाईली अनसैचुरेटेड, सॉलिड और हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है इनके एग्जांपल्स। तो फैट का एग्जांपल है वूल फैट, और जो हमारा ऑयल का एग्जांपल है ये है कॉर्न ऑयल। आप उसमें कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि आपके घर में ऑलिव ऑयल आता होगा, बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में पाम ऑयल यूज़ किया जाता है ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, हमने तो अपने हिसाब से दिया है। ओके, सो ये था ऑयल्स एंड फैट्स का एक बेसिक डेफिनेशन और उनके बीच का डिफरेंस, कि ये दोनों डिफर किस तरह से करते हैं। ओके, फिर हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस तो डिस्कस करते हैं फिर, तो रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है हाइड्रोजिनेशन। तो पढ़ते हैं क्या है हाइड्रोजिनेशन में। दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और वो ऐड कैसे होता है, वो ऐड होता है निकल की प्रेजेंस में। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल। तो मेटल कैटलिस्ट कोई भी प्रेजेंस हो सकता है, निकल भी हमारा बहुत अच्छा मेटल कैटलिस्ट होता है, और अगर आप देख सकते हो तो पैलेडियम भी बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है ना। हमने यहाँ निकल लिया क्योंकि पैलेडियम जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, निकल इन कंपैरिजन टू पैलेडियम थोड़ा सा लो कॉस्ट होता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, हाइड्रोजन ऐड टू द डबल बॉन्ड ऑफ ऑयल एंड फैट। सो हाइड्रोजन जो है
वो डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है, ओके, टू द डबल बॉन्ड ऑफ एलिन फैट, प्रोड्यूसिंग मोर हाईली सैचुरेटेड ग्लिसराइड. सो इसके वजह से हाईली सैचुरेटेड ग्लिसराइड. देखो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, जैसे ही आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है हर जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके वजह से जो हाईली सैचुरेटेड बन जाएगा, मतलब कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ओके, कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने वही रिएक्शन कराई, निकल की प्रेजेंस में कराई, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड कराया और थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हीट हमें इस रिएक्शन को देनी पड़ती है, ओके. सो देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड आ गया है. सो आप आराम से इस चीज़ को, इस पूरे कंपाउंड को लिख सकते हैं. अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग फॉर्म में, मतलब कि ये 7CH2 7C, यहाँ पे आपको शो करना है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर CH7CH3. आप ये, मैंने यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड लिया, आप कोई और ट्राइग्लिसराइड भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको निकल की प्रेजेंस में करानी है और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना ही करना है, ओके. सो अब हम और थोड़ी रिएक्शंस कवर करेंगे. हाँ, अभी ये जो हाइड्रोजिनेशन है ये तो हमने रिएक्शन तो कवर कर ली, लेकिन इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं हम लोग ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल. तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं. कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज हार्डनिंग ऑफ ऑयल, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये हार्डनिंग ऑफ ऑयल कुछ नहीं, हाइड्रोजिनेशन ही है. कन्वर्टिंग डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड मेक इट सॉलिड. सो डबल बॉन्ड से जब सिंगल बॉन्ड बन जाता है तो ये ऑयल जो है हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके. हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट हार्डन्स देम एंड टर्न्स इट इनटू सॉलिड. तो हाइड्रोजिनेशन की वजह से जो ऑयल है वो हार्ड हो जाते हैं, और अगर आपने ज़्यादा किया हाइड्रोजिनेशन तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके. तो ये था इसका पहली रिएक्शन. नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस. सो हाइड्रोलिसिस क्या है, द ट्राइग्लिसराइड्स गेट हाइड्रोलाइज बाय एंजाइम्स कॉल्ड लाइपेस. दिस प्रोसेस हैपेंस इन GI ट्रैक. सो हमारे जब हम लोग ऑयल लेते हैं तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है हमारी बॉडी में वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय अ एंजाइम कॉल्ड लाइपेस. लाइपेस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो GI में होता है, ओके. बाय दिस रिएक्शन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर प्रोड्यूस. और इस रिएक्शन के वजह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स प्रोड्यूस होते हैं, और फैटी एसिड से हम लोगों को मिलती है एनर्जी, ओके. सो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस, और इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार है. ये रहा हमारा ट्राइग्लिसराइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइग्लिसराइड है ये, तो ये रहा हमारा ट्राइग्लिसराइड, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में. फैटी एसिड आपका कुछ इस प्रकार दिखता है, ओके. फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं. अब दोस्तों ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे जो R है ये काफ़ी लंबी चेन होती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फैटी एसिड है ये जो R है इसकी काफ़ी लंबी चेन होती है, ठीक है. और ये फैटी एसिड हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है. आप अगर पेपर में चाहे तो ये R डिफरेंट ले सकते हैं या सेम ले सकते हैं, बात आप पे. मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, तीन डिफरेंट फैटी एसिड्स बनाए हैं. आप अगर पेपर में चाहे तो सेम ले सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, ओके. तो आप यहाँ पे डिफरेंट भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ओके. सो फिर आता है अपना सेपोनिफिकेशन, जो है अपनी थर्ड रिएक्शन. सेपोनिफिकेशन पढ़ते हैं. सेपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बाय बेसिस लाइक NaOH और KOH. तो सेपोनिफिकेशन है एक प्रोसेस है जहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है ट्राइग्लिसराइड्स की, और किन प्रेजेंस बेसिस में, जैसे कि NaOH ले सकते हैं, KOH ले. तो यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, ओके. और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में होती है, जो कि हो सकता है NaOH या KOH, ओके. इसकी वजह से विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. सो इसकी वजह से बनता क्या है, ग्लिसरॉल बनता है और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है, विच आर जनरली ऑफ सोडियम और पोटेशियम. सो इसकी वजह से दोस्तों बनता क्या है, सबसे पहले बनता है यहाँ पे ग्लिसरॉल, तो इसकी वजह से बन जाता है ग्लिसरॉल और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी यहाँ पे मिलने बनने को दिखता है, तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं, ग्लिसरॉल बनता है और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता है, विच आर जनरली ऑफ सोडियम और पोटेशियम, जो जनरली हमारे होते हैं सोडियम के होते हैं या तो पोटेशियम के होते हैं, है ना. तो या तो आपके सोडियम के हो सकते हैं या पोटेशियम के हो सकते हैं, है ना.
दीज सो फॉर्म्ड सॉल्ट, जो बने हैं सॉल्ट आर नोन एज सोप्स। तो ये जो सॉल्ट्स बने हैं हमारे ये वाले सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इन्हीं को कहते हैं हम लोग सोप्स, है ना। और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन, एंड सच फॉर्मेशन ऑफ कॉल्ड इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो बनते हैं इस पे सोप्स, और ये जो पूरी जो फिनोमेना है, जो पूरी रिएक्शन हो रही है, इसी को कहते हैं हम लोग सेपोनिफिकेशन। अब इसकी पढ़ते हैं रिएक्शन। तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, यहाँ पे हमने NaOH लिया, तो बना क्या हमारा, ये बना हमारा ग्लिसरॉल। तो ये हमारा ग्लिसरॉल बन गया जो हम बोलते आ रहे हैं, और ये बन गया आपका सोप्स। तो यहाँ पे हमारे तीन डिफरेंट सोप्स बने, यहाँ पे R1, R2, R3, तो तीन डिफरेंट सोप्स बने, इन्हीं को कहते हैं दोस्तों सोप्स, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन में आते हैं, वो है रैंसिडिफिकेशन। रैंसिडिफिकेशन आप दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, ऑयल का ख़राब हो जाना। जब ऑयल आप रख देते हैं थोड़ी देर के लिए बिना उसको ढके, तो ऑयल आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएगा, उससे फाउल स्मेल आने लगेगी, गंदी स्मेल आने लगेगी, उसी को कहते हैं दोस्तों साइंटिफिक भाषा में रैंसिडिफिकेशन, ठीक है। और ये होता क्यों है ये पढ़ते हैं। सो ऑयल्स एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये ऑयल्स एंड फैट जब खुले रख दिए जाते हैं, टेंड टू ऑक्सीडाइज और हाइड्रोलाइज। सो ये या तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं बाय डैट एयर। सो अगर आपने ऑयल्स एंड फैट्स को अगर खुले में रख दिया, एक्सपोज टू एयर रख दिया, तो ये तो या तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या हाइड्रोलाइज हो जाएंगे उसी एयर से, ठीक। दिस प्रोड्यूसेस वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड विच गिव फाउल स्मेल। तो पहला पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट है कि इसके वजह से जो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडाइजेशन होता है, उसकी वजह से हमारे एक वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका इससे प्रोड्यूस होता है, जो हमें फाउल स्मेल देता है, बैड स्मेल देता है, ठीक है। फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैंसिडिफिकेशन, ठीक। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल। तो ये किस वजह से होता है, या तो उसका ऑक्सीडेशन होता है या उसका हाइड्रोलिसिस होता है, इन दोनों रिएक्शन में कोई एक होता है, और उसी की वजह से हमारा जो वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ख़राब सी स्मेल आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड मेक्स देम यूजलेस। सो इसकी वजह से डिग्रेडेशन हो जाता है, मीन्स ऑयल जो होता है वो ख़राब हो जाता है और यूजलेस हो जाता है। यूजलेस का मतलब कि आप उसे कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है, ओके। सो इसकी वजह से जो रैंसिडिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे तेल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जो तेल होते हैं उन्हें टाइटली पैक कंटेनर में रखा जाता है, वरना वो रैंसिडिफाई हो जाएंगे। तो इसकी रिएक्शन भी है ट्राइग्लिसराइड्स है। अगर आपने इसको एयर में एक्सपोज कर दिया, तो कुछ देर बाद यदि ये बन जाएंगे, अपना ये ग्लिसरॉल बनाएगा, और यहाँ पे ये फैटी एसिड बनाएगा। अब ये वोलेटाइल फैटी एसिड जो है हमारे बहुत ही फाउल स्मेल देते हैं, बहुत ख़राब स्मेल देते हैं, है ना। तो ये है दोस्तों रैंसिडिफिकेशन, और ये थी उसकी रिएक्शन। और फिफ्थ हमारा लास्ट है जो रिएक्शन है, वो है ड्राइंग ऑफ ऑयल। ड्राइंग ऑफ ऑयल में क्या होता है, व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल आर एक्सपोज टू एयर। अगर हाईली अनसैचुरेटेड मीन्स, अनसैचुरेटेड मीन्स मतलब क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस हो, अगर वो अगर आपने खुले छोड़ दिए, दे अंडरगो एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, वो एक दूसरी प्रकार के ऑक्सीडेशन में जाते हैं, कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल विच कॉजेज देम टू हार्डन। सो इसके वजह से इसमें क्या लिखा है कि अगर आप हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल लेंगे और उसको एक्सपोज कर देंगे एयर में, तो वहाँ पे एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन होगी, जिसके वजह से विच कॉजेज देम टू हार्डन। तो उसकी वजह से वो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ड्राइंग ऑफ ऑयल, है ना। देखते होंगे जब कोई चीज़ ड्राई हो जाए तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, वही इसी का नाम है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अटैक ऑफ हाइड्रोजन एट एलाइलिक पोजिशन इन द ऑयल। तो अगर तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करता है एलाइलिक पोजिशन ऑफ ऑयल में, टू फॉर्म इंटर मोलिकुलर पेरोक्साइड लिंकेज। सो इसके वजह से जो इंटर मोलिकुलर पेरोक्साइड लिंकेज बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। दिस फॉर्म्स अ हार्ड मास ऑफ ऑयल, इसकी वजह से ऑयल का एक हार्ड मास फॉर्म हो जाता है, विच हैपेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। और ये किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और यहाँ पे आपका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाते हैं और फिर वो पॉलीमर बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये होती है ड्राइंग ऑफ ऑयल, जो होती है ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन से, ओके। तो ये वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा
कि क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन ऑयल्स एंड फैट एंड डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। ये दोस्तों का थोड़ा सा हम लोग का सोल्यूशन था जो हम लोगों ने लिखा है। और ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।